जननायक जनता पार्टी ने 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और सभी उम्मीदवार बहुत मजबूत उम्मीदवार खड़े किए हैं। बड़ौदा हलके में भाई भूपेंद्र मलिक को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, आज हम उसका नामांकन करने जा रहे हैं। ये हजारों लाखों की भीड़ इस बात का प्रतीक है कि इस बार जननायक जनता पार्टी का विधायक बड़ौदा हलके से बनेगा और भारी बहुमत से जीत हासिल करेगा। भूपेंद्र मलिक का मुकाबला आपने राजनीति के पहलवानों में, खेल के जो पहलवानों से करवा दिया, तो ये पहलवान उनको चित कर पाएगा? बहुत बहुत अच्छे तरीके से। खेल का मैदान अलग चीज़ है, राजनीति के मैदान में खेल के दाव नहीं चलते, राजनीति के दाव चलते हैं। और आप ये मान करके चले कि हमने पहले दाव में उसको चित कर दिया, 90% भैंसवाड़ गांव जो है भाई भूपेंद्र मलिक के साथ। पूरे हरियाणा की बात की जाए, आप तो पूरे हरियाणा के घूम रहे, क्या उम्मीद है? अभी शुरू करेंगे, आज नॉमिनेशंस हैं, अभी पूरे हरियाणा प्रदेश का दौरा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस बार जो आज की स्थितियां हैं, कांग्रेस तो कहीं दिखाई नहीं देती, कहीं कंपटीशन में ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का मुकाबला है और आने वाले 2-3 दिन में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्योंकि कहीं पर भी जहां जनसभाएं होती हैं, जहां पर भी लोगों के प्रदेश के हितों की जब बात आती है, तो प्रदेश के हित लोग जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाने के लिए उतारू हैं और जननायक जनता पार्टी को भारी बहुमत से इसके उम्मीदवारों को जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों की, चौधरी देवीलाल के सिद्धांतों की सरकार दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में प्रदेश में 24 तारीख को बनती दिखाई देगी। साहब, आप प्रदेश के भी नेता, की बार लोग चूकेंगे नहीं। जो रिजर्वेशन जिस तरीके से पहले संविधान की रिजर्वेशन थी, उसके बाद जो है एक विशेष गांव के लोगों की रिजर्वेशन यहां बन गई, अब इस बार लोग उस रिजर्वेशन को तोड़ने का काम करेंगे और उन लोगों को वापस उनके गांव का रास्ता दिखाएंगे कि आप जो है आराम करिए अपने गांव में जा करके, यह हलका हमारा है और हम इस हलके का प्रतिनिधित्व भाई भूपेंद्र मलिक जी करेंगे। मेरे से ज़्यादा मजबूत आदमी भाई भूपेंद्र मलिक जी को समझा, पार्टी ने हम नेताओं के हिसाब के लोग नहीं हैं। अब केवल फला नेता लड़ेगा, जो भी मजबूत उम्मीदवार होगा, जननायक जनता पार्टी ने मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। भूपेंद्र मलिक मेरे से ज़्यादा मजबूत हैं, इसलिए हमने इनको चूज किया और इनको मैदान में उतारा है। हरियाणा में तो काफ़ी किसानों को पानी की बहुत समस्या है, अब आप सत्ता में आते हैं तो वृद्ध हल्के के लिए क्या? तो घर का प्रतिनिधित्व करने वाले अगर घर के लोग होंगे तभी घर की समस्याएं मिटा पाएंगे। कोई पड़ोसी दूसरे के घर की समस्या नहीं मिटाता, घर का व्यक्ति घर की समस्याएं मिटाएगा। तो इस बार लोग घर के आदमी को चुनेंगे और वो घर की सारी समस्याओं का निपटारा एक एक करके उनका निपटारा किया जाएगा। नामांकन किस टाइम किया जाएगा? अभी जा रहे हैं नामांकन।